So first story is about daring, defying and differing. 5 या 6 में होगा मैं, I don't vividly remember, because ये कहानी याद रखने लायक है भी नहीं, right? I was in class 5 or 6 and then what happened is I used to go to school and there was this school senior of mine who used to bully me. Class 5 or 6, so probably I'm 10 to 11 years old, and I come from a convent school, and there was this senior of mine who used to bully me as soon as I used to enter school. He used to scare me, he used to bully me, and mera sirf simple thought ye tha ki mere ko school nahi jana. School isliye nahi jana because I was bullied, and I did not know what to do in life. So I go back home. Mom was at home. Dad used to return from office late in the night. So one fine day during the weekend, I thought of discussing this with my family. Ki yaar, I told them, मैंने पूरा मीटिंग इकट्ठा कर लिया कि हाँ मम्मी पापा बैठो, कुछ तो डिस्कस करना है, as if class 5 का बच्चा क्या ही डिस्कस कर लेगा, right? So I sat them down. I told them, यार मेरे को कुछ डिस्कस करना है. So if you have like 10 minutes, I would love your time. मैं कहा चलो ठीक है, fantastic. इतना सजाया हुआ जो मैं बोल रहा हूँ उतना था नहीं, अभी मैं बोल पा रहा हूँ, उस समय तो मैं बहुत डरा हुआ था. सो मैं उनको बिठाया और उनको बोला कि मेरे को कल स्कूल नहीं जाना है. एंड आई रिमेंबर इट वाज द वीकेंड, सो नेक्स्ट डे वाज अ मंडे, एंड आई टोल्ड देम दैट मेरे को स्कूल नहीं जाना है. नाउ इमेजिन अ 10 ईयर ओल्ड किड वॉकिंग अप टू हिज और हर पेरेंट्स एंड टेलिंग देम दैट ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल. पेरेंट्स का तो होप एकदम क्रैश हो गया, लाइक अरे हम तुमको इफ नॉट यू नो द सिटीज बट द कंट्रीज बेस्ट स्कूल इज सेंडिंग यू एंड यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल, व्हाट्स द प्रॉब्लम. पहले उन्हें लगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ बिकॉज मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ या मैं डांट खा गया प्रिंसिपल से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज आई डिड नॉट टेल देम दैट. बट व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वाज गेटिंग बुलीड व्हेन आई वाज इन स्कूल व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, दैट्स व्हेन दे रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ इट एंड देन दे सेड कि यार तुम एक काम करो, टेक इट अप विद द अथॉरिटीज, प्रिंसिपल से बात करो, टीचर से बात करो, सी इफ इट कैन यू नो वर्क आउट, या फिर कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा इसका. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम वेयर यू विल नॉट फाइंड अ सोल्यूशन. सो आई वेंट टू स्कूल अगेन, हिम्मत करके मैं स्कूल गया. एंड वो यार मतलब वो जो बंदा था ना वो एंट्रेंस पे ही खड़ा रहता था, एज इफ हिज एंटायर मोटिव इन लाइफ वॉज टू स्कैर मी. वेरी सैड लाइफ ही वॉज लीडिंग, यस आई नो. तो मैं एंटर किया एंड आई सॉ हिम एंड आई कुडंट रियली see him face to face. So मैं घूम के चला गया कहीं और दूसरे रास्ते से. I used to enter the class because I never used to, I couldn't see him, right? It was scary for me to enter my own school, right? And I was 10 years old. So consider the trauma that I was going through at 10. ये काफी दिन चला and he used to again scare me कि यार I'll make your life miserable. और school में ना क्या होता है, school में एक बहुत interesting phrase होता है जो use करते हैं लोग, वो बोलते हैं school के बाद मिल, है ना, मीट मी आफ्टर स्कूल. ये टीचर्स बोले तो ठीक लगता है, लेकिन अगर स्कूल वाले लोग बोले तो डर लगता है कि यार ये अब क्या, यहाँ तो कुछ तो भैया जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे घर. सो आई वॉज दिस वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई थॉट कि ठीक है अब सप्रेस हो जाएगा, अब हो जाएगा. डिडंट हैपन. वन फाइन डे अगेन आई सैट माई पेरेंट्स डाउन कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, सम प्रॉब्लम, व्हाट डू आई डू. They told me one thing, they said, which was obviously easier said than done, but they said, ki, look him in the eye and tell him, ki, I am not afraid of you, tere ko jo karna hai kar le, tu kya kar sakta hai, tere paas darane ke alawa koi option bhi nahi hai, tu kya kar kya sakta hai, kuch bhi nahi kar sakta tu. Main sun liya, main khud dar gaya pehle, papa log kya bol rahe hain yaar, they're telling me to bring the Delhiite inside me, and I kya re, kya kar raha hai, dekh lunga main tere ko. So I did not obviously tell that person the very next day, but 2-3 din baad jab mere ko continuously dara raha tha, maine usko bola ki yaar maine I tried, I told him ki yaar kya kar sakta hai tu, karke dikha, right? Immediately theek nahi hua. Second, third day bhi hua, fourth day bhi hua, fifth day bhi continue hua. Thank you for the background music. To second day, third day, fourth day theek nahi hua, but fifth day eventually he realized that I am no more fearful.
मेरे को अब मेरे अंदर से वो डर चला गया. एंड आई टोल्ड हिम, आई लुक्ड हिम इन द आई एंड आई टोल्ड हिम, तेरे को जो करना है कर ले, क्या कर सकता तू. निष्कर्ष इस स्टोरी का ये है, कंक्लूजन इस स्टोरी का ये है कि यू हैव टू फाइट योर फियर, राइट. जितना आप डरोगे उतना आपको और डराएंगे लोग, राइट, बिकॉज दे डोंट हैव अ गेम प्लान. देयर ओनली गेम प्लान इज बिकॉज यू आर अफ्रेड, यू आर स्कैर्ड, एंड दैट्स व्हाई दे आर दे थिंक दैट दे हैव एन अपर एज ओवर यू. उनके पास कोई गेम प्लान नहीं है, राइट. सो आई टोल्ड देम दैट देखो जो करना है कर ले. सो दिस इज वेयर आई यू नो डेड शोड माई करेज एट 10 ईयर्स ऑफ एज एंड फॉट दैट बुली, took it up with the authorities, and after that he probably now watches my videos and comments under those videos. So I think that we've come a long way there, but I think that was my first instance of me being courageous enough and daring to do what I wanted to do for a very long time. And because the instance ho gaya the school mein from a very young age, I had that under confidence in me, kyunki mereko daraya gaya tha shuru se. और स्कूल में आप एक चीज नोटिस करोगे, व्हेन यू आर इन स्कूल आपको तब इज्जत मिलती है जब आप किसी चीज में यू नो आप एक्सेलेंट हो, प्राइमरीली एकेडमिक्स. एंड हर ग्रुप को ना हर साल एक एनुअल इवेंट मिलता था जो आपको ऑर्गेनाइज करता था. सो वी गॉट पेट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन, ठीक है, हमें पेट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है पूरे स्कूल के लिए. स्कूल में कितने बच्चे, 1500 बच्चे, पूरे स्कूल के लिए ऑर्गेनाइज करना है. फैंटास्टिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Now I am scared of public speaking. मैंने बोला मैम को, मैम आई वुड लव टू होस्ट दिस इवेंट, अगर आप रिस्क टेकर है, अगर आप रिस्क टेकर है, आई एम विलिंग टू पुट माई इमेज ऑन द लाइन विच इज नेग्लिजिबल, तो आप प्लीज हमें ऑप्शन, आई मीन गिव मी द चांस एंड आई लव टू टेक दिस ऑन. उन्होंने पहले तो 10 सेकेंड का पॉज लिया कि ये बंदा बोल क्या रहा है, इससे किसको देना है नहीं देना, क्या करना है. So she gave me that opportunity. She's like, "Haan, theek hai, tum kar lo. But you need one more host." So which was clearly visible ki wo mere saath to confident nahi hai. Matlab usko unko ek aur jan to chahiye tha. So I was like, "Theek hai, cool, no problem." And so event ka day hai. Yahan pe jitne log hai, 1500 log the. Pura auditorium bhara hua hai, khacha khach bhara hua hai. Front row pe aise hi professors, teachers baithe hain, aise hi baithe the sab koi. Lighting of the lamp hua. ठीक है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल द प्रोफेसर्स, ऑल द टीचर्स आर सिटिंग इन द फ्रंट रो. मैं डायस पे गया और नाउ आई एम शेकिंग. मैं ऐसे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से. स्पीच मेरे सामने, बट आई कांट स्पीक. व्हाई? बिकॉज देयर वाज दिस फियर कि मैं अगर कुछ भी गलत कर दूं इन फ्रंट ऑफ नॉट ओनली 5-10 पीपल बट 1000-1500 लोग, इन practically the entire school, तो मेरी image क्या रह जाएगी, right? I walked up on stage, I said, hello principal sir, hello vice principal sir, hello students, and that's how I was speaking, right? और मेरे ठीक parallel ही मेरी teacher खड़ी है, मेरे को गुस्से से देख रही है. मैं बोला तू इसके लिए मेरे को बोल रहा था, पुश कर रहा था कि तू तेरे को होस्ट करना है, व्हाट आर यू डूइंग. आई वाज लाइक, मैम आई आस्क्ड यू, आप कोरियस के लेना है कि नहीं, यू सेड यस, आई एम ओके. ये मैंने उस टाइम नहीं बोला, उस टाइम तो मैं डांट खा लिया था, मैंने इवेंट के बाद बोला ये चीज. सो ऑफकोर्स नीडलेस टू से आई स्क्रूड अप द एंटायर इवेंट, मेरा पूरा इवेंट मैसअप हो गया एंड आई वॉज मॉक टैड इन फ्रंट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स. That made me realize that school में ना जब आप young होते हो, when you are say 14-15 years old, even when you are in college, now that you are in college, you'll realize that you will not want to do a lot of things because you think people will make fun of you, right? You will not want start something new because you think people will make fun of you. आपको क्या लगता है कि अगर आप start करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको लग रहा है कि अगर आप नहीं करोगे तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे. And that is where you go wrong. Irrespective of whatever you do, you will be mocked at. Aapka mazak udaya jayega, right? So I was being mocked at, and of course, pure school ke samne meri dhajjiyan ud gayi, jo ki bacha kucha 1-2% izzat tha, wo bhi chala gaya. All ek acha plus point hua ki pura school mere ko ab jaan gayi. Ki yahi hai banda,
जिसने पूरा इवेंट स्क्रू अप कर दिया था. That was my second instance where I made fun of myself. I was mocked at. I dared to fight the fear. Again, same conclusion. You have to fight that fear. Otherwise, जितना डरोगे उतना आपको और डराया जाएगा. Right? I had to explain my parents what I do, obviously, and they also did not have any idea as to what I do. I think even today they don't know what I do. But I think it has gotten a lot better from where it started. And eventually, one of the things that I sort of felt a little weird about is जब पापा मम्मी सोशल गैदरिंग्स में जाते थे ना इवेंट्स में तो उनको पूछते थे कि बेटा कि अंकल कि मतलब मालिक जी आपका लड़का तो अभी कॉलेज खत्म हो गया अब क्या कर रहा है पापा बोलो अब दे डिड नॉट हैव एनी आईडिया अबाउट व्हाट अ यूट्यूबर इज व्हाट अ कंटेंट क्रिएटर इज व्हाट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज तो वो बोल रहे कि हाँ कुछ कुछ तो कर रहा है कुछ कुछ तो कर रहा है लड़का पता नहीं क्या कर रहा है कुछ कुछ तो कर रहा है कुछ ना कुछ तो कर लेगा घर आके मेरे को बोल रहे भैया बता तो दो करते क्या हो लोग बाग पूछ रहे हैं उनको बताना जरूरी है कि तुम करते क्या हो. सो माय जर्नी फ्रॉम डिफाइंग एवरी सिंगल नॉर्म फ्रॉम बीइंग बुलीड इन स्कूल व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड टू फाइटिंग द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन क्लास 11 टू स्टार्टिंग माय ओन वेंचर व्हेन एवरीबडी एल्स वाज टेकिंग अ जॉब to starting something again in terms of content creation where you don't know the path, you don't know how certain the path is, you don't know whether you'll be able to make money or not, you don't know anything, every single thing in your life ahead of you is uncertain and you don't know what to do. From there to now, having been able to make money from content, pehla 2 saal to zero money tha, ye to main batana bhool gaya, pehla 2 saal was zero revenue, no hardly any subscribers, hardly any views, hardly any audience. And that's when I thought ki yaar audience smart nahi hai. Audience samajh mein nahi aa raha main kya bol raha hu. Later I realized maine khud ka video wapas dekha. Aur mere ko samajh mein aaya ki main khud nahi samajh pa raha maine kya bola. To audience ko blame karna galat hai. So from there to now having a social following of 200,000 plus to now starting Bengali movie where we worked with Rituparna Sengupta and Victor Banerjee, which is set to release theatrically in about 2 months from now. It has been a hell of a journey. And so there's this couple of lines that I just like to give you advice in terms of, because all of you all are in college. Number one, fight your fear. Because if you don't fight, someone else will not do it for you. I know it is very cliche, hashtag cliche, but it is not going to work. Until unless you fight your fear, it is not going to work. So please fight that fear. Agar aapko fear ke baare mein interesting anecdote janna hai, just think about the kind of person you will become after you have fought the fear. For example, agar aapko public speaking se dar lagta hai, think about the kind of person you will become after you fought the fear of public speaking. You'll now be able to speak confidently, you'll be on stage, like I am standing right now delivering my 6th TEDx talk, and having spoken at IITs, IIMs, FMS Delhi, Lions Club International, ISEC Youth Speak Forum, and a bunch of other universities and colleges. That gives me confidence that in spite of messing it up in front of 1,500 students, if you stop there, the journey stops there. But if you continue doing it and embarrassing yourself, this is an interesting line which I had come across, which said, give yourself the liberty to fail. Give yourself the liberty to create absolute junk. Because jab tak aap fail nahi honge, tab tak aapko nahi samajh mein aayega. I know this is cliche advice, but it's the only advice that works. Jab tak aap fail nahi honge, tab tak nahi chalega. You will have to try 10 different things. Log puchte tumne kaise content choose kar liya, tumne kya try kiya. I've tried CA, it didn't work out. I've tried CFA, it didn't work out. I sat for my CAT exams. मेरे पर्सेंटाइल देखे तो मैं खुद हंस दिया था. मैं बोला ये इसमें तो ना हो पाएगा. आई एम तो बहुत दूर की बात है, आई ही नहीं मिलेगा मेरे को इसमें. सो आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली. आई रिप्रेजेंट बंगाल इन क्रिकेट, बट आई कुडंट परस्यू इट फर्दर बिकॉज कोविड हैपेंड एंड देन अ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज केम ऑन. सो आई कुडंट परस्यू इट प्रोफेशनली. बट द एंटायर स्टोरी बीइंग यू विल हैव टू फेल टू ट्राई आउट, यू नो, यू विल हैव टू फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग in your favor.
there are lot of jars. एक jar में there are lot of crabs and crabs को बाहर निकलना है. There are open jars, कोई lid नहीं लगाया उसपे, ठीक है. And crabs want to come out. One crab is trying to come out, but there is this another crab जो खुद नहीं निकल रहा है, उसको रोक रहा है निकलने से. So that he doesn't win. वो जीते ना जीते उसको फर्क नहीं पड़ता. He is pulling the other crab who is trying to exit the jar so that he doesn't win the whatever competition whatever. My point is there was this Indian crab mentality. तो ये मत करो. Short term में बहुत खराब लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा दोस्त था, दोस्त थी. How do I? अब हम we live in this world of Instagram and Snapchat and you know Facebook and Twitter. मैं इसको कैसे unfollow कर दूँ? भैया बहुत सारे options हैं. मैं बताता हूँ. मैं इसमें pro बन चुका हूँ. ठीक है. म्यूट सुना होगा आपने, रिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने, ब्लॉक सुना होगा आपने. उसको नहीं पता चलेगा आपने ब्लॉक किया. ट्रस्ट मी, मेरे को पता है, मैंने किया है, मैंने कर रखा है बहुत सारे लोगों को. एंड आई नो बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर माई मेंटल स्टेट. हर बार मेरे को गिरा रहे यार, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे लोग, राइट. एंड कॉलेज इज द प्लेस वेयर यू मीट आपके ना यू नो दैट एड्रेनलिन रश इज देयर कि अगर हाँ ये दिख गई इससे बात कर लेते, ये दिख गई इससे बात कर लेते, ये दिख गया इससे बात कर लेते. ऐसे नेटवर्किंग नहीं करना, राइट. सो कीप योर एनवायरमेंट इन चेक. दैट्स द सेकंड एडवाइस. एंड थर्ड एडवाइस वुड बी थर्ड और अदर मे बी द लास्ट एडवाइस वुड बी ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स. फेल, गेट अप, ट्राई अगेन, फेल, ट्राई अगेन, फेल एंड ट्राई अगेन. There is no other option. There is no other alternative to hard work. क्योंकि अगर जब तक वो काम नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसमें अच्छे हो कि नहीं हो. And I want to end because I've seen that जब थोड़ी बहुत इतने सारे failure के बाद जब थोड़ी बहुत success मिलने लगे, you see how people change, right? There's this very interesting thing about time. और ये दो line जो मैं आज सुबह ही रट्टा मार के आया हूँ, मैं सुना देता हूँ आपको. जिनके आते नाते जवाब उनके सलाम आने लगे, जिनके आते नाते जवाब उनके सलाम आने लगे, मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे. सो थैंक यू सो मच गाइस.